हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर रसायन विज्ञान पार्ट टू कक्षा 12। नया चैप्टर है आपका बायो मॉलिक्यूल जैव अणु एकक 14। ठीक है, जैव अणु एकक 14, इसका क्या टारगेट है पढ़ने का, आप इस अध्ययन क्या क्या करेंगे इस चैप्टर में, तो ध्यान दें इसका उद्देश्य क्या है। इस एकक के अध्ययन के पश्चात आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा हार्मोन जैसे जैव अणुओं के अभिलाक्षणिक गुण बता सकेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल तथा विटामिनों का वर्गीकरण उनकी संरचना के आधार पर आप कर सकेंगे। डीएनए आरएनए में अंतर आप स्पष्ट कर पाएंगे और लास्ट में जैव तंत्र में इन जैव अणुओं की भूमिका की व्याख्या कर सकेंगे। ठीक है, तो यह जो है उद्देश्य है इस चैप्टर का पढ़ने का। तो आइए स्टार्ट करते हैं अध्याय 14 एकक 14 जैव अणु बायो मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं फिर टॉपिक शुरू किया जाएगा, पहला हेडिंग। ठीक है, तो ध्यान से देखें, जैव अणु बायो मॉलिक्यूल यह शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं की सुव्यवस्थित यों समक्रमिक और समकालिक प्रगति है जो जीवन को प्रेरित करती है। ठीक है, तो जैव अणु क्या होते हैं, तो जैव अणु जो हैं वे शरीर की रासायनिक अभिक्रियाओं की सुव्यवस्थित और समक्रमिक और समकालिक प्रगति हैं जो जीवन को प्रेरित करती हैं। ठीक है, एक जैव तंत्र स्वयं वृद्धि करता है। ठीक है, एक जैव तंत्र जो है वह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है तथा स्वयं का पुनर्जनन करता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं एक बायो सिस्टम जो है, जैव तंत्र जो है वह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है और स्वयं का पुनर्जनन करता है। जैव तंत्र की सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि यह अजैविक परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जो जैव तंत्र होता है वह अजैविक परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। ठीक है, जीवित तंत्र में रसायनतः क्या होता है, ठीक है, जीवित तंत्र में रसायनतः क्या होता है, तो समझें इसको, इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जीवित तंत्र में, ठीक है, रसायनतः क्या होता है, जीवित तंत्र के लिए कौन कौन से रसायन की जरूरत होती है। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में आइए समझते हैं। इसके ज्ञान का अनुसरण जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जीवित तंत्र में रसायनतः क्या होता है, इसके ज्ञान का अध्ययन जो है हमें जैव रसायन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, जैव तंत्र अनेक जटिल जैव अणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जैव तंत्र जो है वे अनेक जटिल अणुओं के मिलने से बनते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स। ठीक है, इन चीज़ों से मिलने से जैव तंत्र का निर्माण होता है। ठीक है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव हैं। ठीक है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जो हैं वे हमारे भोजन के लिए आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो जैव अणु हैं वे आपस में अन्योन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कुछ सरल अणु जैसे कि विटामिन, खनिज लवण भी जीवों की कार्य प्रणालियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक जैव तंत्र जो है वह स्वयं वृद्धि करता है, कायम रहता है और स्वयं का पुनर्जनन करता है। ठीक है, जैव तंत्र की सबसे जो आश्चर्यजनक बात है कि यह अजैविक परमाणुओं और अणुओं से मिलकर बनता है। जैव तंत्र जो है वह अजैविक परमाणु और अणुओं के मिलने से बनता है। जीवित तंत्र में रासायनतः क्या होता है, ठीक है, जीवित तंत्र में कौन कौन से रसायन होते हैं। ठीक है, तो इस ज्ञान का अनुसरण जो है वह जैव रसायन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें जैव रसायन के अंतर्गत मिलती है।
जैव तंत्र जो है वह अनेक जटिल जैव अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिनमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, लिपिड्स आदि आते हैं। ठीक है, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन के आवश्यक अवयव हैं। ये जैव अणु आपस में अनोन्य क्रिया करते हैं तथा जैव प्रणाली का आणविक आधार बनाते हैं। इसके अलावा कुछ सरल अणु जैसे कि विटामिन, खनिज लवण भी जीवों की कार्यप्रणालियां में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जैव अणुओं की संरचना और कार्यप्रणालियों की विवेचना इस अध्याय में किया गया है, इस एकक में किया गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह आपका एकक 14 है, जैव अणु। ठीक है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में हमने बताया, परिचय के बारे में। अब जो है हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में 14वें चैप्टर की पहली टॉपिक जो है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।